मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल शाम करीब 7 से 8 बजे के दरमियान जो है महाराजा कॉर्नर के पास अनवारुल्लाह शेख 28 वर्षीय एक युवक के साथ जो है मारपीट की घटना सामने आई है। इस मारपीट की घटना में अनवारुल को कई गंभीर चोटें लगी हैं, उनके सर में भी जो है चोटें लगी हैं, उसमें कई टाके आए हैं जिनका इलाज भी चल रहा है। हम उन्हीं के पिता से बात करते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, किन लोगों ने अनवारुल पर हमला किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनव्वर हुसैन शेख है। तो क्या हुआ था अनवारुल्लाह के साथ, कितने बजे की ये घटना है, क्या लेने वो गया था? अनवारुल्लाह रोज के मामूल के मुताबिक हमारा जो है अमृत नगर में जनता बेकरी के पीछे जो है मिश्रा का तबेला है, वहीं से दूध आता है, रोज का मामूल है। तो रोज के मामूल पे था वो, अफ्तार करके मगरिब की नमाज पढ़ा, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद अपनी बाइक से दूध लेने चला गया। दूध लेके वहाँ से लौट रहा था कि महाराजा कॉर्नर के पास में कुछ 5 से 10 गुंडों ने उसके ऊपर जो है कातिलाना जो है सलिया से और छुरी से और चापड़ से उसके ऊपर हमला कर दिया। और उसके जो है उसको जब अंदाजा हो गया आज भर, तो किसी तरीके से उसने जो है उसके भाई से रब्ता कायम किया। हम लोग भागे गए तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, हम फौरन जो है मुमरा पुलिस चौकी लेके आए, इन्होंने पूरा चापावती बना, हम कलोम लाके एडमिट कर दिया। तो उसके ऊपर जो वार हुआ है वो कहाँ कहाँ पर वार लगा है उनको? उसको सीने पे लगा है और उसके सर पे जो धारदार चीज से जो मारा गया उसके सर पे मारा गया है। और इस्लामुद्दीन भाई आप इतना सोच लीजिए, अगर ज़रा सा और अंदर लग गया होता ना तो शायद हम बहुत बड़े सदमे में आ जाते। कौन लोग हैं वो जिन लोगों ने हमला किया है, उनके क्या क्या नाम है, कितने लोग थे वो? हाँ, उनके नाम है परवेज खान, कादिर खान और फैजान, और उनके बच्चे लोगों ने हमला किया। क्या ये लोग आपसे पहले भी ऐसी कोई दुश्मनी थी इन लोगों के साथ में जो इस तरह की घटना हुई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन एक मसला था जो अनवार के ससुराल से जुड़ा हुआ है। हमारी जो अनवार की बीवी यानी हमारी जो बहू है, तो उसके ससुराल वाले कह रहे थे कि अलग घर देंगे तो हम वो करेंगे, विदा करेंगे तो नहीं। हमने कहा ठीक है अलग कर देंगे। तो हमारी बहू जो है 4 दिन पहले आई और हमने उसको खड्डी रोड पे एक फ्लैट के अंदर शिफ्ट कर दिया था। तो शिफ्ट करने के बाद मगरिब के बाद जो है लड़के का फ़ोन आया कि 10 से 15 लोग हमारे घर पे हमला, या 4 दिन पहले की बात है, हमारे घर पे हमला कर दिया और लोग दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गए। जब तक हम लोग किस्मत कॉलोनी से खड्डी रोड पहुँचते, जब तक जो है लोगों ने मतलब हमारी समझी भी था बहू, मतलब हमारी बहू को लेकर चले गए लोग, और ये मामला डायगर पुलिस चौकी में गया। तो 4 आरोपी को वहाँ गिरफ्तार किया उन लोगों ने। बाद में उन्होंने हमें जाकर उन्होंने कहा कि भाई रमजान का महीना और हमारे रिश्तेदार हैं, तो बाद में हमने कहा कि नहीं इनको लॉकअप वगैरह या कोई मामला। ये जो हमला किए हैं ये लोग आपके रिश्तेदार ही हैं? हाँ रिश्तेदार हैं, लेकिन दूर के रिश्तेदार हैं, हाँ ऐसा करीबी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो हमारी बहू को उठाने में इन लोग वहाँ पे रहे होंगे, तो जब उठाए लोगों ने तो मोहल्ले वालों ने एहतजाज किया, वहाँ थोड़ा मारी पिट्टा हुई थी, इतने आसानी से लेके जाने नहीं दिए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मारपीट हुई थी जबकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे। हम तो जब पहुँचे तो हमारी बहू को लेके जा चुके थे लोग, हाँ, और डायगर पुलिस चौकी में मीटर चला गया था। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मारी पिट्टा हुई थी, तो उसी हिसाब से जो है ना उसी को लेके ये अनवार पे कातिलाना हमला किया गया। अच्छा, यानी जो पहले घटना हो चुकी थी आपको बहू आपके बहू को लेकर चले गए थे, तो कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर जो है इस अनवारुल पर जो है हमला हुआ है। हाँ, आपका ऐसा कहना? हाँ। जो 4 दिन पहले तकरीबन बताया जा रहा है जो भारत गेट पे मसला हुआ था और किसी महिला की तलाक की बात आ रही थी, तो क्या वही मामला है ये जो है उसके पिता लड़की के पिता को भी मारा गया था? लड़की के पिता को मारा गया था या नहीं मारा गया था मुझे उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम पड़ा था कि जब ये हमारी बहू को लेके जा रहे थे तो वहाँ पे एक बड़ा एहतजाज लोगों ने किया था, लेकिन हमारी बहू को लेके जाने में लोग कामयाब रहे, कुछ मारी पिट्टा वहाँ पे हुई थी, मैं भी सुना था ये बात को, लेकिन मामला ये डायगर पुलिस चौकी में था तो हमने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि हमने वहीं पे सेटलमेंट करके मामले खत्म कर। बात सामने आ रही है तलाक की, तो क्या तलाक की बात सच है कि तलाक लेना चाह रहे हैं, क्या है मामला ये? नहीं, नहीं। आखिर हुआ था, बहू को आखिर घर से क्यों लेकर गए वो लोग, आपके बहू को आपके संगी क्यों लेकर गए घर से, तलाक का मसला था क्या था वो आखिर? ये जो है ये तो एक बहुत बड़ा मुअम्मा है जो हमको भी समझ में अभी तक नहीं आया कि आखिर वो हमारी बहू को विदा क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, बाद में पता चला कि वो चाह रहे हैं कि अलग
घर करके दे देंगे, हम ज्वाइंट फैमिली में हम अपनी बेटी नहीं भेजेंगे। अगर आप हमारे बेटी के लिए अगर अलग से घर का इंतजाम करते हो तो हम अपनी बेटी को भेज देंगे। तो हमने कहा, हमारी बहू से डायरेक्ट बात हुई, तो हमने कहा ठीक है बेटी आ जाओ, हम तुमको अलग घर का इंतजाम कर दें, तुम लोग खुश रहो। तो उसी सिलसिले से हमारी बहू आई थी परसों, मतलब 4 दिन पहले आई थी, और हमने अपनी जबान के मुताबिक हमने उसको हुदा कम्प्लेक्स बिल्डिंग में 2 माले हमने उसको शिफ्ट भी कर दिए थे दोनों को। और ये दोनों जब उनके ऊपर जो है 15-20 गुंडों ने हमले किए थे और उठा के हमारी बहू को लेके गए, तो उस वक्त दोनों मियाँ भी घर में अकेले ही थे, और हमारे लड़के को अंदर बेडरूम में डाल के कड़ी बंद कर दिया गया और यहाँ से पीछे से लेके चले गए। और जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से जो रिक्शा पकड़ के भारत गया उधर से, तो काफ़ी देर हो चुकी थी, मतलब आधा जब तक मीटर वहाँ पे क्लोज हो चुका था सब। फिर हमको डाकर पुलिस चौकी जाना पड़ा था। तो आपने क्या है इसके बारे में पुलिस स्टेशन में यहाँ शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, शिकायत दर्ज कराई है, FIR जो है उन्होंने किया है, और 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हैं और बकिया फरार। तो जैसा कि आपने सुना कि जैसे इन्होंने बताया कि इनके बेटे के ऊपर जो है कातिलाना हमला हुआ है, लेकिन जो आरोपी हैं परवेज कदीर और फैजान, इन तीनों आरोपियों को मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर कई धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।